हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देखिए जो लोकोमोशन या मूवमेंट है वो बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ताकि वो फूड ढूंढ सके, शेल्टर ढूंढ सके, या प्रेडेटर से अपने आप को बचा सके। और दूसरी वाइटल एक्टिविटीज के लिए लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस को ही जान लेते हैं। देखिए किसी भी तरह का मूवमेंट, जैसे मैंने हैंड जैसे किया, ये मूवमेंट है। और लोकोमोशन तब जब हम मूवमेंट करें और हमारी पोजीशन चेंज हो जाए, वो लोकोमोशन है। इसका मतलब जब हमें चल के जाना होता है तो हमें फीट का मूवमेंट तो कराना ही पड़ता है, और फाइनली हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। मगर लोकोमोशन बिना मूवमेंट के नहीं हो सकता, जबकि मूवमेंट ऐसा नहीं होता कि हमेशा लोकोमोशन में रिजल्ट करे। तो ये हाथ का मूवमेंट है, इसमें कोई लोकोमोशन नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। इसका मतलब सारे लोकोमोशन में मूवमेंट होगा ही होगा, बिना उसके लोकोमोशन होगा ही नहीं। मगर मूवमेंट से लोकोमोशन में ऐसा जरूरी नहीं है। हम बिना पोजीशन चेंज के भी अपना मूवमेंट कर सकते हैं। टंग का मूवमेंट हो रहा है तब मैं बोल पा रहा हूं, तो इस लाइन को जरा लिख लीजिए, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट, और इन्हीं मूवमेंट से देखिए लोकोमोशन भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि लोकोमोशन हो, कभी कभार केवल मूवमेंट भी होगा। ठीक है, इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो हम यहां बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, असल में इसी को हम कहते हैं साइक्लोसिस। प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यहां पर प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट से ही न्यूट्रिएंट का जो है वो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पैरामीशियम को देखिए, इस तरह से ये पैरामीशियम है, तो यहाँ पे ये फूड इंजेस्ट करता है और फूड वैक्यूम में फूड डाइजेस्ट होता है, और फाइनली वो इस तरह से मूव करता है, ये मूव करता जा रहा है, घूमता जाता है, इसी को हम कहते हैं साइक्लोसिस। ये मूवमेंट जो होता है यही साइक्लोसिस या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। इसी तरह का मूवमेंट आपको अमीबा में भी देखने को मिलेगा। दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक, दूसरा है सीडोपोडियल, लोकोमोशन या मूवमेंट। यहां पर क्या होता है कि फॉल्स फुट बनते हैं, उन फॉल्स फुट को सीडोपोडिया, पोडिया मतलब फुट, सीडो मतलब फॉल्स, फॉल्स फुट से लोकोमोशन होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन में तो WBCs होता है, ये सीडोपोडिया बनाती है फॉल्स फुट और उसी से मूवमेंट करती है। इसके अलावा अमीबा, अमीबा में भी फॉल्स फुट बनते हैं और उसी की मदद से वो लोकोमोशन कर सकता है, और कोई माध्यम उसके पास नहीं होता। होता क्या है कि अगर आप अमीबा को देखिए, तो अमीबा में इस तरह से आगे की तरफ सीडोपोडिया बनता है, और ये सीडोपोडिया भी जो बनता है ना डियर, वो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से ही बनता है। यहां से प्रोटोप्लाज्म फ्लो करके यहाँ भर जाता है और वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है, और पहले किस में रहता है, सॉल में, इस तरह से लिक्विड फॉर्म में रहता है। वो फ्लो करके आगे जो है बढ़ता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबल होती है उसको आगे पुश कर देता है, और इस तरह का एक फुट बन जाता है। वहां जाके ये सॉल सेटल हो जाता है, और कई सारी और जो इसके फिलामेंट जो सेटल हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे हम कहते हैं जेल, और इसी की मदद से अब ये बॉडी को आगे खींच लेता है। इसे हम सॉल जेल इंटर कन्वर्जन थ्योरी भी कहते हैं, अमीबा के लिए जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है। अमीबा के लोकोमोशन के लिए बहुत सारी थ्योरीज गिवन है, पर उसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो सॉल जेल इंटर कन्वर्जन थ्योरी है। तो यहाँ पे इसी सॉल्व जेल इंटर कन्वर्जन की मदद से सीलोपोडिया बनाता है अमीबा, और वो मूव कर पाता है। तीसरी तरह का अगर हम बात करें तो फ्लेजुलर मूवमेंट, या लोकोमोशन। फ्लेजुला क्या
कि मूवमेंट से लोकोमोशन भी पॉसिबल होता है और फ्लेजलर मूवमेंट आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखा होंगे, फ्लेजला से ही वो मूव करते हैं। बॉटनी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पड़े होंगे, पर ह्यूमन में अगर हम बात करें तो स्पर्म, जो ह्यूमन का जो स्पर्म है उसकी टेल वो एक फ्लेजला ही है और उसकी मदद से ही ये मूव करता है, लोकोमोशन करता है, अगर ह्यूमन की बात करें। इसके अलावा सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट या सीलियरी लोकोमोशन, पैरामीशियम में जानते हैं आप, इस तरह से सीलिया पूरी बॉडी में होता है और इसकी सीलिया की मदद से स्विम करता है, इसका मतलब लोकोमोशन करता है ये। और इसी तरह से कई सारे ऑर्गेनिज्म सीलिया की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, कुछ फ्लैजला की मदद से जो लोअर ऑर्गेनिज्म है। मगर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सीलिया का मूवमेंट होता है और आप जानते हो कहां पे होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब, इन सब जगह पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और सीलिया जो होता है ट्रैकिया और ब्रोंकी में, वो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको प्रोपेल करके फेरिंग्स में ले आता है, वहां से हम उन्हें स्वेलो कर लेते हैं इंटेस्टाइन में, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको रोकते हैं, और रोकता तो मेनली म्यूकस है, और उसको पुश कर देते हैं ऊपर की तरफ ताकि वो नीचे ना जा सके, हमारे जो एल्विओलाई है या लोअर जो लंग का सिस्टम है वहां ना जा सके। फेलोपियन ट्यूब आप जानते हो, इसके सीलिया ही उआ को प्रोपेल करते हैं, फर्टिलाइजेशन जंक्शन तक पहुंचाते हैं, दैट इज एम्पुला। बिना उसकी मदद के उआ पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उआ जो है वो नॉन मोटाइल होता है, तो वहां पर भी इनकी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, सीलरी मूवमेंट की। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलरी मूवमेंट। और इसके बाद अगर हम बात करें